नमस्ते, आज मेरो नाम अजय एडवर्ड्स अनि आज हामी सबैजना यो एउटा जातिको ठुलो एउटा सम्झनामा हाम्रो गोर्खा जातिले पनि इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्समा भाग लिएको थियो। धेरैलाई थाहा छैन भारतभरि हाम्रो नागरिकहरू जतिजना भारतभरि छ गोर्खा जातिको कति योगदान छ इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्समा। सो आज यो सम्झनामा मेन हाम्रो अञ्जली बहिनी हो, उहाँको एनजिओ सँगसँगै मेरो भाइ विक्रम फाउन्डेसन, विमल गुरुङ दाजुको फाउन्डेसन, ओला दाजु आइरहेछ, अनि हाम्रो एडवर्ड्स फाउन्डेसन, अनि अन्य एनजिओहरू सबैजना आएर आजको बलिदान दिवस मनाइरहेछ। यही हो हाम्रो सोच विचार, जातिको निम्तिमा हामी सबैजना एकत्रित हुने एउटा आज पनि एउटा अवसर हो। अनि सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु, हाम्रो जाति दार्जिलिङको नागरिकहरू, अन्य समुदाय, हाम्रो जातिले भारतको इन्डिपेन्डेन्समा जुन चाहिँ भूमिका निभाएको थियो हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अनि आउने दिनहरूमा होइन हाम्रो युथहरूलाई स्पेसिफिक होइन हाम्रो जाति होइन को पहिचान इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्समा त छँदैछ, तर तपाईँहरू हो हाम्रो फ्युचर स्टार्सहरू, हाम्रो फ्युचर अफिसर्सहरू, हाम्रो फ्युचर स्पोर्ट्सहरूमा, अनि जातिको पहिचान तपाईँहरूले आफ्नो फिल्डमा पनि दिनु सक्नुहुन्छ। यसरी नै हाम्रो जातिको पहिचान होइन भारतभरि चिनाउने गर्ने तपाईँहरू छोराछोरी बाउ बाजेहरूले गर्यो सबै होइन, तर आज छोराछोरीहरूले अनि हाम्रो कर्तव्य हो हाम्रो जातिको पहिचान भारतमा दिने। अनि तपाईँहरूलाई आजको यो बलिदान दिवसमा तपाईँहरूलाई मेरो हृदयबाट शुभकामना। थ्याङ्क यू। होइन, मैले ब्लड डोनेट गरेको त आज अब त्यही ब्लड डोनेट गर्दा मेरो सम्झना त्यही थियो होइन, हाम्रो शहीद जसको आज एउटा सम्झनामा, अनि उहाँले त ज्यान दियो, अनि म प्रथम एउटा ब्लड डोनर भएर आजको दिनमा आफ्नो जो हाम्रो शहीदको सम्झनामा ब्लड दिँदाखेरि अत्यन्त खुसी लागेको छ हजुर। थ्याङ्क यू। कतिजना त ब्लड दिनु गराइरहेको होइन, ब्लड डोनेट गर्नु एकदमै मेलहरूको लागि 3 महिनामा दिनु सक्छ, फिमेलहरूले 4 मन्थ्समा दिनुसक्छ। मैले लास्ट ब्लड डोनेट गरेको म र मेरो श्रीमती वुमेन्स डेमा 6 महिना अगाडि गरेको थियो, अनि आज यो मौका पाएँ बलिदान दिवसमा। अनि ब्लड दिएको एकदमै हेल्दी हो, राम्रो हो, अनि सबैलाई इन्करेज। आज एसपी साहबले पनि उहाँको बी माइनस हो, बी नेगेटिभ हो, अनि उहाँले पनि आज ब्लड दिनुभएको छ। ब्लड दिनु एकदमै हेल्दी हो, अनि आई इन्करेज पिपल स्पेसली दार्जिलिङको नागरिकहरू टु डोनेट ब्लड रेगुलरली। थ्याङ्क यू। आज बलिदान दिवस 25 अगस्त और इस पावन अवसर पर आई हैव गिवन माय ब्लड एंड फील गुड अबाउट इट बिकॉज व्हाट एवर गोरखा फ्रीडम फाइटर्स डन फॉर अवर कंट्री इट वॉज एस्टोनिशिंग। It was a great thing. So, giving blood on this day, I feel very proud of this. ब्लड डोनेशन तो करना चाहिए बिकॉज लाइक देर आर ऑलवेज रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड टू द एक्सीडेंट पीपल ड्यूरिंग द ऑपरेशन, सो एमरजेंसी ब्लड इज रिक्वायर्ड एंड दैट्स वाई पीपल शुड कम अहेड टू गिव अ ब्लड एंड ऑल्सो इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑल्सो एज आई एम अ डॉक्टर आई कैन से कि बाय गिविंग अ ब्लड योर ब्लड गेट्स रिफ्रेशन
your blood gets screened for various tests also, like VDRL, syphilis and all this, malaria. So, and also your blood gets also rejuvenated, and it creates also good feeling in the body. अभी तक कितने बार ब्लड टेस्ट किए? About 8 to 9 times. दार्जिलिंग में कितने बार किए? दार्जिलिंग फर्स्ट टाइम. विशेष गरी हामी लक्ष्यसम्म पनि आज यहाँ उपस्थित हुनुको मेन कारण चाहिँ आयोजक समितिमा हामीलाई पनि सम्मिलित गर्नुभएको छ है. त्यसले गर्दा आज हामी एउटा बलिदान दिवसको दिन हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ. यो बलिदान दिवस किन मनाइरहेको छ? गरी भारत स्वाधीन हुनुभन्दा अगाडि धेरै एउटा है भारतमा वीर सपुतहरूले एउटा भारत स्वाधीनताको निम्ति एउटा बलिदान दिएर एउटा बलिदानीहरूको एउटा सम्मानको निम्ति विशेष गरी यो आजको एउटा बलिदान दिवस मनाइएको हो. अनि अर्को कुरा चाहिँ आज एउटा 25 अगस्त है 1944 दिन हाम्रो वीर सपुत शहीद दुर्गम मल्ललाई एउटा फाँसीमा झुन्डाइएको एउटा दिन पनि हो. त्यसैको अनुरूप आज एउटा बलिदान दिवस यहाँ मनाइएको हो. उसै गरी लक्ष्य समूहहरूले हामीले बारम्बार देख्छौँ के हराएको कुरोहरू खोजी निकालेर त्यस विषयमा ज्ञापन पत्रहरू पनि चढाउनु हुँदैछ. यस यो जुन अब यो तपाईँको बलिदान जस्तो जे शहीदहरू भयो नि उहाँहरूपट्टि पाहाडमा अब धेरै विलिन हुँदै गइरहेको छ नि, यसबारेमा लक्ष्य समूहको अब आउँदो के रहनेछ यसबारेमा अलिकति बताइदिनु. विशेष गरी हेर्नुहोस् है हाम्रो गोर्खे सपुतहरू जति पनि हुनुहुन्छ है एउटा भारत स्वतन्त्र सङ्ग्रामदेखि लिएर आजसम्म तपाईँको एउटा भारत देशको निम्ति एउटा अब त्याग बलिदान दिएर एउटा आफ्नो एउटा इमान्दारको एउटा देशप्रति एउटा जुन प्रकारको एउटा इमान्दारको एउटा के भनौँ त्यसलाई एउटा इमान्दारको उदाहरण दिइरहेको छ नि एउटा गोर्खा जातिले, त्यो चाहिँ आज हामीले नै एउटा कदर गर्न सकेनौँ भने हाम्रो गोर्खा जातिले हामीले एउटा चिनाउन सकेनौँ भनेदेखिलाई हाम्रो वीर सपुतहरू आउने दिनमा एउटा भावी पिँढीको नजरमा चाहिँ ओझल भएर जान्छ. त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो एउटा हाम्रो वीर सपुतहरूको एउटा सम्मानको निम्ति है हामीले हाम्रो वीर सपुतहरूलाई चाहिँ हामीले जगाएर आउने भावी पिँढीलाई पनि हामीले यसको एउटा हाम्रो वीर सपुतहरूको इतिहास चाहिँ एउटा जागो राख्नु चाहिँ एउटा आवश्यक देखिन्छ जस्तो चाहिँ हामी एउटा संस्थालाई लाग्छ. त्यसैको अनुरूप आज हामी एउटा यहाँ आज धेरै सङ्घ संस्थाले एउटा बलिदान दिवस एउटा गरिरहेको छ, त्यसमै हामी पनि एउटा त्यसको एउटा अंश पनि हौ. दार्जिलिंग के चौरस्ता जो कि बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे हम खड़े हैं. तो आज 25 अगस्त बलिदान दिवस का पालन किया जाता है पूरे भारतवर्ष में. बलिदान दिवस के दिन दुर्गा मल्ल जी को फांसी दिया गया था लाल किला में. वो लाल किला में इनफैक्ट फर्स्ट गोरखा INA मार्टर है और उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है. वो INA में थे एज अ स्पाई एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर है ना. वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इंटेलिजेंस वर्क है वो काम करते थे INA के लिए. इसी बदौलत INA का बहुत सारा जो काम था वो सक्सेसफुल हो सका था. फिर उनको मणिपुर में अरेस्ट किया गया दल बहादुर थापा और दुर्गा मल्ल जी को और उनको ले जाके जब दिल्ली में रखा गया तो एक महीने तक वहाँ के उनके अगेंस्ट में मुकदमा चला. और ब्रिटिशर्स को भी पता था कि दल बहादुर थापा और दुर्गा मल्ल जी कितने एक्सपर्ट स्पाइज है. इस वजह से उन्होंने उनको बारंबार एक महीने तक कन्विंस करने की कोशिश की, टॉर्चर करके, साम दाम दंड भेद जो भी बोला जाता है सब कुछ यूज करके कि आप ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करिए, आप भारत के INA में मत ज्वाइन करिए, इधर ज्वाइन करेंगे तो आपको फांसी भी नहीं दिया जाएगा, आपको पोस्ट भी दिया जाएगा, आपको लाइफ भी आप जी सकते हो. लेकिन दुर्गा मल्ल जी ने बोला मैं अपने देश को बचाऊंगा, मैं अपनी जान को नहीं बचाऊंगा, और वो फांसी पे चढ़ गए. उसी बलिदान को इज्जत देते हुए भारतवर्ष में पूरे देश में हम लोग बलिदान दिवस मनाते हैं. और बलिदान दिवस में इसी वजह से हम लोग रक्तदान शिविर हर जगह पे रखते हैं. क्योंकि देखिए रक्तदान शिविर एक ऐसी चीज है ना, आप एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हो तो आप 3 लोगों की जान बचा सकते हो. तो इसीलिए आज यहाँ पे एक रक्तदान शिविर भी रखा हुआ है. सुबह हमारे बाइक रैली के बाइकर्स जो है एनफील्डर्स, एंड नॉर्मली बाइकर्स को हम एकदम नेगेटिव नजर से देखते हैं लेकिन वो बहुत सोशल वर्क करते हैं. उसी सोशल वर्क के अंतर्गत आज उन्होंने घूमजोर बंगला से लेकर यहाँ तक बाइक रैली किया विद द पिक्चर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स है ना, ताकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स कौन थे वो उनको चिन्ह सके, पहचान में ला सके. फिर वहाँ पे यहाँ पे जब आए तो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, कितनी गर्व की बात है कि म्यूनिसिपल बॉयज की जो बैंड है उन्होंने उनको भानु भवन से लेके यहाँ तक एस्कॉर्ट करके लेके आए. फिर यहाँ पे हमारे जो कार्निवल बैंड है जिसका आज 50 इयर्स भी हुआ है, उनका ये 50 इयर्स पूरा होता है उनका बैंड बनने का, तो उसके अवसर में उन्होंने यहाँ पे राम सिंह ठकुरी का सिम्फनी भी प्ले किया. और यहाँ पे आज आप देख ही सकते हो एग्जीबिशन भी लगा है जिसमें हमने सारे गोरखा फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन डाला है जिनके बारे में
में आपको पढ़ के आप सीख सकते हो, ताकि आप भी आगे बता सकते हो अपने बच्चों को कि कौन फ्रीडम फाइटर्स थे। हम आज इस देश में बैठ के देश को बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन वो बुरा भला कहने का हक भी इन लोगों के बलिदान की वजह से ही हमको मिला है, और उसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जय हिंद, जय गुरुदत्त।